हेलो फूडीज, वेलकम टू हैप्पी किचन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल हैप्पी किचन, एंड जो सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन दिया है उसको हिट करना ना भूलिएगा, ताकि जब जब मैं नई रेसिपीज अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज मैं बहुत ही यूजफुल एक एंटीबैक्टीरियल लिक्विड लेके आई हूँ, जिसकी बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना सकते हो और बहुत ही कम सामग्री में बना सकते हो। आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें हाइजीन रहना बहुत ही जरूरी बन चुका है, तो इससे आप अपनी किचन स्लैब को या किचन स्टोव को साफ कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यूज किए गए नींबू के छिलके लिए हैं, एक बर्तन में मैंने ले लिए हैं। अब इसमें हम 1 से 1.5 ग्लास जितना पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, मैंने अंदाजे से डाला है, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको मैं हाई फ्लेम पे करीबन 10 से 12 मिनट तक उबलने रख दूंगी। देखिए हमारा लिक्विड उबलने लगा है। अब इसको हम गैस के स्टोव को बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे लिक्विड को। देखिए हमारा लिक्विड थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम जितने भी छिलके हैं उसको अच्छे तरीके से स्मैश कर लेंगे, अच्छी तरीके से मसल लेंगे, ताकि इसके अंदर के जो भी रैशेस है, जो भी है, वो अंदर उसमें पानी में घुल जाए। देखिए अब मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब हम एक और बर्तन लेते हैं, उसमें ये लिक्विड को छान लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसमें मैंने जो पानी छाना है नींबू वाला वो मैं ऐड कर देती हूँ। इसको आप आधा ही भरिए, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही इफेक्टिव है, आप लोग जरूर से बनाइएगा। देखिए अब मैं इसमें बेकिंग सोडा का यूज करती हूँ, जो हम खाने का सोडा यूज करते हैं वो 1 से 1.5 चम्मच जितना आप ऐड कर दीजिए। और जो भी रेगुलर हम डिशवॉश जेल यूज करते हैं बर्तन साफ करने के लिए, वो लिक्विड को करीबन मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्प्रे बॉटल को बंद कर देंगे। और जो सरफेस है जहां पे हमें साफ करना है वहां पे ऐसे इस तरीके से आप थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, और कोई भी स्क्रबर लेके आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा लिया है, उससे मैं साफ कर रही हूँ, बट आप चाहो तो डायरेक्टली पानी से भी साफ कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही आसान है बनाना, एंड ये बहुत ही इजीली साफ हो जाती है इससे चीजें। देखिए मैंने स्टोव को भी साफ किया है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and also do subscribe to my channel. Thank you.